हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ममता फैशन डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बहुत ही सुंदर सी और डिज़ाइनर ड्रेस बताने वाले हैं लड्डू गोपाल जी की, और मैं ये 4 नंबर कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत ही डिज़ाइनर ड्रेस बनाने वाले हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जो भी वीडियो डालें वो आपकी नोटिफिकेशन में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इस तरह का ये रिबन लिया है, और इसकी ये 1/2 इंच की इसकी चौड़ाई है देखिए फ्रेंड्स, और हमें इसको 3 इंचेस में कट करना है। हमारा इधर तक आ रहा है, तो यहाँ से हम कट कर लेंगे, और इस तरह से देखिए रख के, और इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से ये कट कर लिए हैं, और अब हम क्या करेंगे देखिए। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये कैंडल ली है और इसको मैंने जला के रखा है, और अब हम क्या करेंगे देखिए। ये रिबन है हमारा, देखिए क्या करना है। ये हमारी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है, तो हमें सीधी साइड को देखिए, ये हमारी नीचे की सीधी साइड है, तो हमें देखिए इस तरह से करना है इसको, इस तरह से, और इसको सिक्योर कर देंगे देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, ये उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है रिबन की, तो हमें क्या करना है देखिए, इस तरह से इसको, और इस तरह से पकड़ के इस तरह से करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इतने सारे पीस को रेडी कर लिया है देखिए, इस तरह से ये बना के रखा है हमने, और अब हम क्या करेंगे देखिए, इसको साइड में रख देते हैं। और देखिए, हमने ये डायमीटर को कट कर लिया है, और एक मैंने अस्तर को नीचे रखा है, और एक मैंने प्रेस से इसको पेस्ट कर दिया है देखिए। और अब हम क्या करेंगे, पहले इसकी कमर कट करेंगे देखिए, 4 नंबर कान्हा जी के लिए बनाएंगे, तो उसके हिसाब से हम कट करेंगे देखिए, इस तरह से फोल्ड करके। तो देखिए, हमें 1/2 इंचेस में निशान लगा लेने इस तरह से, और इस तरह से मैं गोला शेप कर लूँगी और इसको कट कर लूँगी देखिए इस तरह से। तो देखिए, ये कट कर लिया हमने, और अब हम क्या करेंगे देखिए, इसको इस तरह से कर देंगे, और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। तो चलिए, मैं ये करके बाद में बताते हैं आगे क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सी लिया है, और अब हम देखिए कट लगाएंगे। इस तरह से कट लगाना है, और फिर हम ये अस्तर वाला कपड़ा कट कर देंगे, ये वाला। तो देखिए, हमने ये कट कर लिया है, और अब हम क्या करेंगे, ये वाली पट्टियाँ लगा लेते हैं। तो देखिए, मैं ये टिश्यू टेप से लगाऊंगी, इस तरह से नीचे रखना है, और फिर इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है, और फिर यहाँ तक लगाएंगे, और इस तरह से कट करके, और फिर हम इस तरह से फोल्ड करके, और इसको इस तरह से करके, और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो चलिए, मैं दोनों पट्टियाँ लगा के आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये लगा ली है, और अब हम क्या करेंगे देखिए, ये वाले पीस लेने हैं हमें, और देखिए सीधी साइड में रखेंगे, ये हमारी सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है, तो हम इस तरह से लगाएंगे देखिए इसको,
तरह से लगा के और यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो देखिए मैं आपको एक दो पीस सील के बता देती हूँ किस तरह से सीलना है। देखिए इसको इस तरह से रखना है और यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इधर से। देखिए एक पीस रखा हमने सील लिया और दूसरा वाला हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे और एक लगाया इस तरह से और इसके ऊपर सिलाई करेंगे। बहुत इजी है फ्रेंड्स इस तरह से ये। तो देखिए फ्रेंड्स हमने एक लाइन लगा ली है और ये हम दूसरी वाली लाइन भी इस तरह से लगाएंगे। देखिए किस तरह से लगाना है हमें। देखिए यहाँ से इस तरह से लगाएंगे। देखिए देखिए मैं आपको एक दो बता देती हूँ पीस लगा के। थोड़ा सा आगे लेंगे इसको इस तरह से। चलिए दूसरा पीस भी लगा लेते हैं इस तरह से। थोड़ा हमें आगे रखना है पीस को। और लगा लेते हैं देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये तैयार कर लिया है इसको और कितनी खूबसूरत लग रही है ये। और अब हम इसके नेफा लगाएंगे। तो नेफे के लिए हमने देखिए यही पट्टी ली है और इसको हम इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ तक सिलाई करेंगे और फिर देखिए इसके अंदर इसको स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ तक सिलाई करेंगे और फिर इस तरह से देखिए इस तरह से इसको पूरे में लगा लेंगे। तो चलिए मैं लगा के फिर बताती हूँ आपको। ये पट्टी को लगा लिया है देखिए इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे देखिए ये हमने पट्टी को लगा लिया इस तरह से और देखिए ये वाली डोरी भी इस तरह से हमने बांधने के लिए रखा है। और अब हम देखिए इसके लिए चोली बनाएंगे। तो देखिए हमारे पास ये वाला रिबन रखा है। तो देखिए हमने चोली की एक साइड में ये डिज़ाइन बनाया है और ये हमने किस तरह से बनाया है तो मैं ये आपको बताती हूँ। देखिए हमें इस तरह से पट्टी को सीधा रखना है और ये वाले जो पीस है वो हम इस तरह से लगाएंगे। देखिए और इस तरह से देखिए लगा के और सिलाई कर लेना है हमें। फिर दूसरा पीस लगाएंगे और इसके ऊपर सिलाई करेंगे। इस तरह से हमें चार पीस लगाने हैं फ्रेंड्स। तो देखिए हमने इसको तैयार कर लिया है इस तरह से। तो बहुत ही सुंदर बनेगी हमारी ये चोली। जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसको हम कट कर रहे हैं देखिए। और देखिए हमें इस तरह से सेट करना है इसको और यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। देखिए देखिए इस तरह से हमें लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये चोली को लगा लिया इस तरह से। देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगी है और बहुत ही खूबसूरत लगेगी जब हम लड्डू गोपाल जी को ये वाली पोशाक पहनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इस डिज़ाइन को बनाया है। ये हमने इधर भी लगाया है डोरी पे और देखिए इस तरह से हम करके और अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगी फ्रेंड्स। और अब हम इसके लिए बनाएंगे पगड़ी। तो देखिए हमने इस तरह का ये सॉफ्ट गट्टा लिया है और इसकी हमने लंबाई रखी है देखिए ये 5 इंच और इसकी चौड़ाई हमने रखी है 2.5 इंच, 2 और 2.5 के बीच में रखा है। और देखिए अब हम क्या करेंगे इसको इस तरह से
करके और यहाँ पे हम इसको चिपका देंगे इस तरह से। और देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से देखिए फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इस तरह से इसको लगाते जाएंगे इस तरह से, और करते जाएंगे इसको लगाते जाएंगे। तो देखिए हमने इसको लगा के रेडी कर लिया है, और अब हम देखिए जो सामने कट होता है वो वाला कट लगा रहे हैं। इस तरह से हमें ये कट कर लेना है। तो देखिए हमने इस तरह से ये शेप बना लिया है पगड़ी का, और अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर ये डिज़ाइन लगाएंगे। तो देखिए हमारे पास ये थोड़े पीसेस हैं, तो मैं इसको डेकोरेट कर लूँगी। देखिए इस तरह से पहले हम सामने की साइड में लगाएंगे, देखिए इस तरह से ग्लू को लगाना है, और देखिए इस तरह से हमें लगा लेना है। देखिए इस तरह से लगाएंगे, देखिए फ्रेंड्स हमने इस पगड़ी को रेडी कर लिया इस तरह से लगा के। देखिए तो देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर ये पोशाक बनी है, और देखिए इस तरह से हम जब अपने लड्डू गोपाल जी को ये वाली पोशाक पहनाएंगे तो देखिए इस तरह से लुक आएगा। हमें इस तरह से कर देना है, और ये हमारा कंधे पे आएगा इस तरह का ये डिज़ाइन, और फिर हम ये वाली पगड़ी लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर लुक आएगा। फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये वाली पोशाक बनाना। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये पोशाक कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।